पीएनडीटी एक्ट के तहत सरकार एफआईआर दर्ज कर सकती है। इस मामले में आज हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इस फैसले में हाई कोर्ट ने क्या आदेश जारी किए हैं, इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन, इससे जाते हैं जी। पीएनडीटी एक्ट के नीचे सेक्शन 27 और सेक्शन 28 के नीचे दो डिफरेंट प्रोविजन थे। सेक्शन 27 जो है एक्ट का, वो कहता है अभी केस के बारे में कॉग्निजेंस पुलिस ले सकती है, लेकिन सेक्शन 28 जो है, सेक्शन 28 कहता है कि कोई भी ऑफेंस जो पीएनडीटी एक्ट के नीचे है, कोर्ट उसका कॉग्निजेंस सिर्फ कंप्लेंट जो डिस्ट्रिक्ट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी एक्ट के नीचे है उसकी कंप्लेंट पे ही ली जा सकती है। डिफरेंट कोर्टों के डिफरेंट व्यू इसके बारे में आ रहे थे। इसकी मैटर जो है एक सिंगल जज ने डिवीजन बेंच को रेफर करी थी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है डिवीजन बेंच अथॉरिटेटिवली डिसाइड करे। डिवीजन बेंच के फैम में अभी ये फैसला आया है, तो डिवीजन बेंच ने हेल्ड किया है कि पीएनडीटी एक्ट के नीचे एफआईआर रजिस्टर की जा सकती है, पुलिस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर सकती है, अरेस्ट भी कर सकती है, इन्वेस्टिगेट करके चलान प्रिपेयर कर सकती है, लेकिन कोर्ट कॉग्निजेंस लेते समय डिस्ट्रिक्ट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी की कंप्लेंट पे ही कॉग्निजेंस लेगा, और जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करी है केस रजिस्टर करने के बाद जो चलान प्रिपेयर किया है उसको कंप्लेंट के साथ इंक्लोज किया जाएगा, कंप्लेंट के साथ लगाया जाएगा, उस वो कंप्लेंट का पार्ट होगा, लेकिन डायरेक्टली पुलिस कोर्ट में जो है चलान नहीं पेश करेगी। वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो पीएनडीटी एक्ट के नीचे बनी हुई है, उस एक्ट के नीचे उस अथॉरिटी को अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करेगी, तो जो डिस्ट्रिक्ट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उसकी कंप्लेंट कोर्ट में फाइल करेगी, और उस कंप्लेंट के बेस पे जो अल्टीमेटली कोर्ट उसकी कॉग्निजेंस लेके उस के आगे प्रोसीड विद करेगी। जो अलग अलग कोर्टों के अलग अलग फैसले इस बारे में आ रहे थे कि पुलिस केस रजिस्टर कर सकती है या नहीं कर सकती, उसके बारे में डिवीजन बेंच ने अब बहुत क्लियर कर दिया है। मान साहब, इस फैसले का आने वाले दिनों में क्या असर पड़ सकता है? इसमें जो कई केसेस में कोर्ट अल्टीमेटली एफआईआर जब पुलिस रजिस्टर करती थी, कई केसेस में कोर्ट ने एफआईआर क्वाश कर दिए थे, क्योंकि कॉग्निजेंस वो सिर्फ कंप्लेंट के बेसिस पे ली जा सकती है। इस चीज को सेक्शन 28 को ध्यान में रखते हुए कई कोर्टों ने एफआईआर क्वाश कर दिए थे, लेकिन अब कोर्ट ने कहा है अभी सेक्शन 27 और सेक्शन 28 जो पीएनडीटी एक्ट का है दोनों इकट्ठे पढ़े जाने चाहिए, और दोनों को पढ़ने से ये आता है अभी एफआईआर रजिस्टर कर सकती है पुलिस, इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है और उसकी चलान रिपोर्ट भी प्रिपेयर कर सकती है। इसका इफेक्ट ये होगा भी जो नंबर ऑफ केसेस में मुलजमों को इसका बेनिफिट जो इसकी एक्ट की उल्लंघना करते थे बेनिफिट मिल जाता था, अभी उनके खिलाफ केस नहीं चल पाता था। इस फैसले के बाद यदि किसी ने इस एक्ट की उल्लंघना करी है तो उसको कोर्ट ऑफ कॉग्निजेंस लेके उसको सजा सुना सकती है, अल्टीमेटली ट्रायल के बाद साबित होने के बाद जो डिफरेंट व्यूज थे उसको कोर्ट ने सेटल कर दिया है। मान साहब, ये मामला अदालत में आया कैसे? एक डॉक्टर हरदीप सिंह है उसके करनाल से, उनके खिलाफ एक केस रजिस्टर हुआ था, तो वो क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो उसी स्टेज पर उसने हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया था, तो हाई कोर्ट वो मैटर जो है जब सिंगल जज के पास आई थी तो उस समय क्योंकि डाइवर्जेंट व्यू थे कोर्टों के, डिफरेंट जजमेंट्स दोनों पार्टियों की फेवर में थी, कुछ जजमेंट्स कहती थी कि एफआईआर रजिस्टर हो सकता है, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकती है, लेकिन कुछ फैसलों में ये लिखा था भी नहीं, इसमें डिस्ट्रिक्ट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कंप्लेंट फाइल कर सकती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, एफआईआर भी नहीं लग सकती, तो इसलिए हमारे हाईकोर्ट के सिंगल जज ने यह मामला डिवीजन बेंच को रेफर कर दिया था। अभी डिवीजन बेंच की जजमेंट जो अभी रिसीव हुई है वो उसमें डिवीजन बेंच ने सेटल कर दिया है, और तो जो डाइवर्जेंट व्यू था उसको सेटल कर दिया है, और उन्होंने कहा है अभी सेक्शन 27 और 28 दोनों कंसोलिडेटली इकट्ठे पढ़े जाएंगे तो इसके हिसाब से एफआईआर रजिस्टर भी हो सकता है, पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है, पुलिस जरूरत पड़ने पर मुलजम को अरेस्ट भी कर सकती है, और अल्टीमेटली लेकिन चलान इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद वो कोर्ट को रिपोर्ट सबमिट करने की जगह डिस्ट्रिक्ट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को सबमिट करेगी, और डिस्ट्रिक्ट अप्रोप्रिएट उस इन्वेस्टिगेशन पे बेस पे कोर्ट में अपनी कंप्लेंट फाइल करेगी। सो इसमें जो डिफरेंस ओपिनियन आ रहा था वो अब सेटल हो गया है, जो भी इस एक्ट की उल्लंघना करेंगे उसके खिलाफ इफेक्टिवली जो है कार्रवाई की जा सकती है एक्ट के नीचे, इससे ये बहुत सी चीज़ें सेटल हो गई हैं। जो डाइवर्जेंट कुछ मुलजम इस प्रोविजनों का डाइवर्जेंट व्यू के कारण बेनिफिट उठा रहे थे, अब आगे से इसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे, यदि कोई उल्लंघना करेगा तो वो सख्त कार्रवाई जो एक्ट में प्रोवाइडेड है उसके लिए जिम्मेवार होगा। ये थे मेरे साथ हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन,
इनका कहना है कि हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद अब पुलिस पीएनडी एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर सकती है, इसके साथ साथ उसकी जांच भी कर सकती है और जरूरत पड़े तो उसको गिरफ्तार भी कर सकती है। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़ चंडीगढ़।